इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि तलाक ट्रिपल तलाक है या नहीं, तथ्य का विषय ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर दाखिल चार्जशीट या केस कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 3/4 के तहत जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494(1)(bb) के रहते दूसरी शादी करने पर दंड के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 अदालत को संज्ञान लेने से रोकती है, इसलिए इस धारा में जारी समन अवैध होने के नाते रद्द किया जाता है। याची के खिलाफ केवल ट्रिपल तलाक के आरोप पर ही ट्रायल चलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने थाना खोराबार गोरखपुर के जान मोहम्मद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ ट्रिपल तलाक का केस नहीं बनता, क्योंकि उसने एक माह के अंतराल पर तलाक की 3 नोटिस देने के बाद तलाक दिया है, जो तलाक की बिद्दत नहीं है और 494 के अपराध पर कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। धारा 198 से वर्जित है यदि पीड़िता ने शिकायत न की हो। पीड़िता ने दूसरी शादी की शिकायत नहीं की है, इसलिए याची के खिलाफ दायर चार्जशीट समन और केस कार्यवाही रद्द की जाए। सरकारी वकील का कहना था कि याची के बेटे सलमान खान ने भी 3 तलाक दिए जाने का बयान दिया है और शिकायतकर्ता के 3 तलाक देने के आरोप पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और अदालत ने उस पर संज्ञान भी लिया है। यह नहीं कह सकते कि प्रथम दृष्टया याची पर अपराध नहीं बनता, इसलिए याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल केस सहित तमाम केसों का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा होता है तो हाई कोर्ट चार्जशीट FIR रद्द नहीं कर सकती, उसे केस के तथ्यों की जांच करने का अधिकार नहीं है। केवल असामान्य स्थिति में ही केस कार्यवाही रद्द की जा सकती है जहां प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं हो रहा हो। कोर्ट ने धारा 494 की कार्यवाही रद्द कर दी है, किंतु कहा है कि धारा 3/4 WM Act के तहत केस चलेगा।